एक बार फिर अपनी मांगे पूरी ना होने से नाराज आशा वर्कर वीरवार यानी 7 जून से हड़ताल पर हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल पर रहने का आशा वर्कर ऐलान कर चुकी है। फतेहाबाद में आज दूसरे दिन भी आशा वर्कर की हड़ताल जारी रही। आशा वर्कर ने प्रदेश सरकार को आज शाम तक की चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मानी गई मांगों को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो आशा वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। आशा वर्कर ने आज हड़ताल के दूसरे दिन फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के बाहर धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारा जो 1 फरवरी को जो समझौता हुआ था सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर, तो वो नोटिफिकेशन हमारा आज तक जारी नहीं हुआ है। तो उसमें हमारे में हमने 3 महीने से वेट किया है, फरवरी मार्च अप्रैल और अब मई आ गई है, तो जून आ गया, 4 महीने हो गए। तो लड़कियों में गुस्सा है, तो इसलिए हमें दोबारा फिर हड़ताल, इस सरकार ने वादा खिलाफी की है तो हमें दोबारा इस हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारा ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो ये हड़ताल, वैसे तो हमारी 2 दिन की थी, 7 और 8 की, पर नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ तो इस हड़ताल को हम अनिश्चित हड़ताल नहीं, ये पूरे राज्य स्तर पे है, हरियाणा में सभी जिलों पर ये हड़ताल चल रही है। जो सरकार ने मांगे हमारी थी, जो 3000 हमारा फिक्स हुआ था, पहले 1000 था तो 3000 फिक्स में बढ़ोतरी हुई थी, तो कुछ हमारे इंसेंटिव में 20% बढ़ोतरी हुई थी। तो जो 1 फरवरी को समझौता हुआ था उसमें कुछ अन्य मांगे भी थी, तो वो जब तक हमारी मांगे सारी की सारी नहीं मानी जाती जो उस टाइम उसमें मानी गई थी हमारे समझौते में, तो तब तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। जिस दिन जी नोटिफिकेशन जारी हो गया, हमारे हाथ में चिट्ठी आ गई, उसी दिन हम अपनी हड़ताल वापस लेंगे।